जनपद संभल में कोरोना नियमों व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांचवें दिन भी नामांकन प्रक्रिया के तहत संभल विधानसभा से सपा प्रत्याशी नवाब इकबाल महमूद व कांग्रेस प्रत्याशी निदा अहमद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं चंदौसी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सचिन कुमार ने सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चंदौसी विधानसभा से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। असमौली विधानसभा से सपा की पिंकी यादव व भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। संबल विधानसभा में सपा व कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। संबल सपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करके नामांकन स्थल से बाहर आ रहे थे। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी निदा अहमद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर की तरफ जा रही थी। दोनों रास्ते में मिल गए तो कांग्रेस प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी से सिर पर हाथ रखकर जीत का आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर सपा प्रत्याशी मुस्कुराते हुए बोले कि नवाज पढ़ते रहो, दुआ कबूल हो सकती है। तभी कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि सभी चुनावी मैदान में हैं, जिसे अल्लाह चाहेगा वही कामयाब होगा। नामांकन पत्र भरा है आपने, किन मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हमारा विकास पर होगा, हमारा चुनाव होगा प्रदेश में सरकार को हटाने का, मौजूदा सरकार ऐसी सरकार लेना जो जनता के प्रिय हो, जनता के लिए लाभदायक हो, ऐसी सरकार लाना जो किसानों के हित की बात करती है, जो नौजवानों के हित की बात करती है, ऐसी सरकार लाना जो अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य दे सके, यही हमारा उद्देश्य है।